आज बिहार की राजनीति में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो 67 विधायक बना हो और अभी तक वो लगातार जिसका संसदीय जीवन हो, कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 15 साल, 20 साल के बाद और निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सांसद के नाते भी उन्होंने और दो दो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनका मन बेगूसराय से जुड़ा हुआ था। जब हम लोगों ने टिकट दिया नवादा से, उस समय भी कहते थे कि सुशील जी हमको बेगूसराय का एमपी बनना है, मेरी कर्म भूमि बेगूसराय है। और एक सुखद संयोग था कि नवादा के बाद वो बेगूसराय से सांसद बने। उनके जैसे नेता बहुत बिरले होते हैं। एक युग का अंत हो गया, यानी हम सब लोग हैं जो 85-90 के बाद वाली पीढ़ी के लोग हैं, वह विधायक बने या आज पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो 67 में राजनीति में और एमएलए बने। तो 67 से लेकर लगातार सक्रिय राजनीति में बने रहना ये कोई सामान्य बात नहीं है। लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने कई प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए। भोला बाबू जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, संयोग से मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, विशेष लगाव रहा है मेरा और साथ मिलकर हम सबको काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। नेता थे, आज उनकी अनुपस्थिति में उनकी कीर्ति बताती है कि किस तरह से हर घर से लोग निकल के, हर समाज से लोग निकल करके घंटों तक रोड पर खड़े रहे और आज बेगूसराय, पूरा बेगूसराय नमन कर रहा है। बेगूसराय की धरती के विकास में, इंडस्ट्रियल राजधानी बनाने में उनकी भी एक अहम भूमिका रही।